चलो अब अपन चलाएंगे द ब्यूटिफुल इंटरसेप्टर। आई वॉन्टेड टू राइड दिस बाइक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेट्स सी। हाँ लेकिन है, हैंडल हैवी लग रहा है। वो तो है, चले। अच्छा आज जितना बाइक हो सके सब चलाऊंगा मैं। चलो आज हाउस द व्यू फ्रॉम इंटरसेप्टर, इनिशियल इंप्रेशंस। Why it pulls? Oh God, it's unlike any other Royal Enfield bike. This is so good. This is really, really good. There's a difference because मैं अभी तक maximum 390cc चलाया हूँ and this is 650cc. So yeah, there is a difference and it pulls. Oh my God. No matter what gear you are in, no matter what RPM you are at, it just pulls. Okay, so after riding for, I think, ho gaya ek minute? Yeah. Front kaafi heavy hai. I mean, for maneuverability, it is little bit heavy. But the bike feels planted on the road. Yeah, that I can say. This is planted. Isme aapko bilkul bhi टर्निंग्स पे या फिर कर्व्स पे बाइक स्किड होगी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिकॉज दिस बाइक इज प्लांटेड लाइक अ फुट। अरे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर खराब है। ओ बॉय, लाइक ऑन द गो इसका एग्जॉस्ट नोट उतना ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, बट डैम मैन, बाइक इज सो रिफाइंड, लाइक दिस लेवल ऑफ रिफाइनमेंट रॉयल एनफील्ड हैज अचीव्ड एंड दिट इज रियली अ कमेंडेबल जॉब, रियली। लाइक आप सोच रहे हो कि मैं सेम रिएक्शन दे रहा हूँ लिटरली एवरी बाइक पे, बट That's how good these bikes are. I mean, that's how joyful you'll feel whenever you're riding these kind of bikes. They will never disappoint you. That's one thing for sure. Exhaust note ekdam karke ja raha hai. Bahut bahut refined bike. Bahut refined. Like that khadkhad of my KTM bike, that's not even 1% here. कोई भी गियर में, हर गियर में गाड़ी इतनी स्मूथ है ना, बट हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर रहता तो आई वुड हैव एंजॉयड द राइड मोर, बट स्टिल ये थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड है। जस्ट इमेजिन कॉन्टिनेंटल कितना लीन फॉरवर्ड होगा। उसमें तो लिटरली बहुत झुकना पड़ता है उसमें। झंकार ब्रो, दिस इज फॉर यू। तो झंकार की ड्रीम बाइक है। वो हमेशा बोलता है कि जिस दिन भी पैसे पूरे हो जाएंगे ना, मैं सीधा उठा लूंगा ये बाइक। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट, होप दैट ही गेट्स द बाइक सून एंड फिर वो भी अपने एडवेंचर स्टार्ट करे। झंकार ब्रो, रियली गुड चॉइस, निशांत अप्रूव। इवन एट टर्न्स और ट्विस्टीज द बाइक इज प्लांटेड, लाइक हैवी तो है बाइक, इट्स ओवर 200 kg, बट स्टिल यू वोंट बी फीलिंग द यू नो द वेट। फ्रंट हैवी है, या हैंडल बहुत ही ज़्यादा स्टिफ लग रहा है एंड
the throttle response, it's very hard, like you really have to rip it, you know. It's not smooth thing, so maybe the rider has adjusted it like that, or maybe stock mein aisa aata hai. So yeah, that's the point to note. Chalo. Oh, so we have left for our destination and मेरे interceptor बहुत पसंद आई, तो मैं यही चला रहा हूँ. पूरे चेहरे पे पसीना हो जाए और ऐसी ठंडी हवा लगती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है. तो आज मेरा interceptor चलाने का भी सपना पूरा हुआ. देखना 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 जही. Oh boy. बहुत मजा आ रहा है इसमें. न्यूट्रल कितना इजली लग रहा है. मौसम फाइनली ठंडा हुआ. अभी धूप में चला चला के दिमाग खराब हो गया था एकदम. इतना पसीना इतना पसीना. Okay, so I'm back on the interceptor. बाकी ना एक बात बोलूँ, let me be honest, ऐसे रास्ते पे ना bike doesn't matter, trust me. सिर्फ आप और आपके हाथों के नीचे एक गाड़ी. Whoa! But रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, trust me. हिमांशु ब्रो वॉज राइट. बहुत मजा आएगा इस साइड. और घाटी शुरू. अब मजा आएगा ना बीड़ू. तो टोल टैक्स देने के बाद अभी एंटर हुए अपन. रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंट इंटरसेप्टर पे बैठा हूँ एंड इसका सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है. आई मिस माई ADUV. थोड़ा सा सैडलिंग ट्राई करेगा इस पे. या ओके, गियर लग जा रहा है. ओके, कर तो सकते हैं. इंटरसेप्टर पे सैडलिंग कर रहा हूँ मैं, बट रास्ता ही ऐसा है कि करना पड़ेगा. ओहो, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात. गिर गया यहाँ पे, काई के कारण फिसल गई गाड़ी. बहुत भारी. हे भगवान. स्टैंड लगा दिए. तो ऐसा भी होता है. गिर गया मैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा जल भी गया यार, लकली पैंट के कारण कुछ नहीं हुआ. हाँ, तो दैट वॉज द ब्यूटिफुल इंटरसेप्टर दैट आई वॉज राइडिंग, जिसमें मैं अभी गिर गया. कुछ लगा नहीं, बड़ा व्यू देखो, इतना प्यारा व्यू है. चलो चलो चलो, छोटू सा वाटर क्रॉसिंग. हाहाहा.